देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जारी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद के बीच अब एक और मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। यह मस्जिद है काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित धरहरा मस्जिद, जिसे भगवान विष्णु का मंदिर बताया जा रहा है। काशी का ज्ञानवापी विवाद बढ़ने के बाद से ही देश में मस्जिद और धरोहरों को लेकर एक के बाद एक कई विवाद शुरू होने लगे हैं। कभी मथुरा तो कभी कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे तमाम धार्मिक स्थानों पर सर्वे कराने की मांग कोर्ट से की जा रही है, तो वहीं इसी बीच काशी से एक और नया विवाद सामने आ रहा है। यह विवाद वाराणसी के पंचगंगा घाट स्थित एक राष्ट्रीय धरोहर को लेकर पनप रहा है, जिसे मुस्लिम समाज धरहरा मस्जिद तो हिंदू इसे भगवान विष्णु का मंदिर बताते हैं। लेकिन यह धरोहर फिलहाल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन में है, मगर इसके बावजूद इसे लेकर मंदिर मस्जिद की जंग छिड़ गई है। इस मामले में बनारस के ही रहने वाले अतुल कुल, राहुल मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद, श्यामजी सिंह, रमेश यादव की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दी गई है और वादियों की ओर से याचिका में कहा गया है कि धरहरा मस्जिद के खिलाफ याचिका में क्या कहा गया। औरंगजेब के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान बिंदु माधव मंदिर पर हमला कर उसे भी नष्ट कर दिया गया था। अब वहां अनाधिकृत रूप से नमाज अदा की जाती है, वहां नमाज सहित प्रतिवादियों के अन्य क्रियाकलाप पर प्रतिबंध लगाए जाए, इसके अलावा हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए और हमारे किसी भी आयोजन में किसी भी प्रकार की अड़चन दूसरे वर्ग द्वारा ना की जाए, इसे सुनिश्चित किया जाए। पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव के नाम से विष्णु जी का मंदिर था। अतुल जी, आपने एक याचिका डाली है, क्या है वो याचिका, उसके बारे में? आपने प्राचीन काल से ये सुना होगा कि हिंदू समाज का बराबर मुगल साम्राज्य के समय से हनन हो रहा है, तो उसी हनन की एक कड़ी में एक जैसे काशी विश्वनाथ वाला मुद्दा आया, लाड भैरव वाला है, उसी कड़ी में एक तीसरा मुद्दा बेनी माधव धरहरा भी है। उसमें क्या हुआ है कि मुस्लिम वर्ग द्वारा बिना किसी रोक टोक के सैकड़ों हजारों की संख्या में नमाज पढ़ी जाती है और उसके साथ ही साथ वहाँ पे इफ्तार पार्टी भी होती है। ASI की रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल पे, जो भी धार्मिक स्थल तो वो है नहीं एक तरीके से, वो क्या है ASI के अंदर आता है, तो ASI के अंदर आने वाले किसी भी जो प्लेस है वहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं हो सकता, जैसे कोई पार्टी, किसी की बर्थडे या कोई भी। तो ये किसके आदेश से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है, तो इन्हीं सब मुद्दों को हम लोगों ने लेके ये याचिका दाखिल की है। धरहरा मस्जिद को मंदिर बताने वाले अतुल कुल से जब सबूत की बात की गई तो उन्होंने बताया, ज्ञानवापी की तरह ही यहाँ भी बहुत सबूत हैं, बस उस पर काम नहीं हुआ। कब आप लोगों को लगा कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है? देखिए, ये तो इतिहास बच्चा बच्चा जानता है और हर किताबों में, काशी खंड में, सब में लिखा है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन देगा या कुछ भी करेगा तो लोग सबूत मांगते हैं, तो सबूत तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे साक्षात बाबा प्रकट हो चुके हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी बहुत से सबूत हैं। बस ये है कि वो चीज़ों का अभी तक कुछ उल्लेख सरकारी दस्तावेज में आके उस पर कुछ कार्य नहीं हुआ था, इसीलिए सब चीज़ों पे प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। आप लोग कभी गए हैं वहाँ पर, क्या देखा है? कुछ देखा ऐसा? देखिए, हम लोग को जो देखने वाली चीज़ है वहाँ तक हम लोग का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय ही जाता है। विगत 20 तारीख को हम लोग 3-4 लोग वहाँ गए थे दर्शन पूजन करने, तो वहाँ पे हम लोग को रोक दिया गया। उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे पूजन पाठ जो है मुस्लिम वर्ग ही कर सकता है, लेकिन जब वो ASI के अंडर में आता है तो वहाँ पे मुस्लिम वर्ग को पूजा पाठ करने का अधिकार किसने दिया? जब वो हमारे लिए नहीं है तो उनके लिए भी नहीं है, अगर आप हमको मना करेंगे तो उनको भी मना कीजिए। तो हम लोगों ने इसी चीज़ की याचिका दायर की है कि हम लोगों को पूजन वहाँ करने का अनुमति दी जाए और उनको यहाँ नमाज का और साथ ही साथ जो उनकी इफ्तार पार्टी होती है उस पर पूर्णता और तत्काल रूप से रोक लगाई जाए। धरहरा मस्जिद को मंदिर होने का दावा करने वाले लोगों की याचिकाओं पर वकील शशिकांत यादव ने बताया, पहली मांग ये कि जो भी वहां मंदिर है उसमें उसकी पूजा अर्चना हो और मुस्लिम समुदाय इस पर कोई दिक्कत पैदा ना करे। दूसरी मांग ये है कि मुस्लिम समाज के नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। जी, अपना परिचय देने। मैं एडवोकेट शशिकांत यादव। शशिकांत जी, किस तरह का याचिका डाला है और क्या इसके पीछे रीजन था? ये याचिका, ये पंचगंगा घाट पे सिचुएटेड, पंचगंगा एक घाट है जहाँ पे कि बेनी माधव का मंदिर था, जो कि आज नहीं पुरातन काल से वहाँ मंदिर स्थापित था। ये मंदिर जो है विष्णु भगवान का एक अवतार के रूप में माना जाता था, ताकि इसको आज से करीब 100-200 साल से लोग वहाँ पूजा अर्चना करते थे। अब चूंकि ये मंदिर है, खाली हमारे कहने से मंदिर ये प्रूफ होगा नहीं,
इस मंदिर के विषय में वाराणसी वैभव एक किताब है, वहाँ इसका उल्लेख मिलता है, काशी खंड में इसका उल्लेख मिलता है, और बनारस गजेटियर जो कि उस बुक में आप देखेंगे साफ तौर से इस मंदिर के विषय में पूर्ण रूप से आपको इसका वर्णन मिलेगा। इसी के विषय में जब वहाँ मंदिर है तो वहाँ मुस्लिम पक्ष द्वारा क्यों वहाँ सिर्फ नमाज अदा किया जाता है, रोज़ा इफ्तार पार्टीज़ की जाती हैं और हिंदू पक्ष वहाँ पूजा भी ना करे, इसी लिए हमने ये याचिका दाखिल की है। ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है तो इसको लेकर के कभी आप लोगों ने बात करने की कोशिश किया क्या रह सकते होता है? देखिए ऐसा है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, ये किसी उसको किसी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जाए, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। उसके बावजूद भी इसमें ये नमाज और रोजा इफ्तार की पार्टीज होती रहती है। याचिका में आप लोगों ने क्या क्या मांगे थी? याचिका में हमारी पहली मांग ये है कि हिंदू धर्म के जो भी वहाँ मंदिर है उसकी पूजा याचना किया जाए और मुस्लिम संप्रदाय इस पर प्रतिबंध न लगाए या कोई डिस्टर्बेंस न करे। दूसरा कि उनके नमाज अदा करने पर वहाँ पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए। राहुल मिश्रा समेत सभी 5 याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में आदमपुर के सादिक अली जमाल और पंचगंगा घाट के रहने वाले मुन्ना नाम के शख्स को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब याचिकाकर्ता बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने गए तो इन तीनों ने उन्हें रोका था, जिसके बाद वादियों ने याचिका दाखिल की। सिविल जज जूनियर डिवीजन आकाश वर्मा ने इस मामले में याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई तय की है। क्या कहते हैं इतिहासकार? धरहरा मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच BHU के प्रोफेसर राणा PV सिंह बताते हैं कि 12वीं सदी के बाद भगवान विष्णु के 2 मंदिर सबसे प्रमुख हैं, आदि केशव और बिंदु माधव। तथ्य पुराणों के अनुसार आदि केशव उत्तर और बिंदु माधव दक्षिण के मूल काशी में स्थित हैं। आज भी मस्जिद के भीतर में सुंड कमल चिन्ह है जो इशारा करते हैं कि यह कभी मंदिर ही था। 2 सितंबर 1669 में औरंगजेब के स्थानीय प्रमुख ने पत्र लिखकर उसे सूचित किया था कि मंदिर गिरा दिया गया है। 1958 में धरहरा में एक लीकेज भी सही कराया गया था। इस दौरान 3 महीनों के भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर समेत 3 प्रमुख मंदिर तोड़े गए थे, जिनमें से एक बिंदु माधव मंदिर था। ये बात तो आप भी जानते हैं कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने किस कदर हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा था। कहते हैं काशी के विश्वनाथ मंदिर और बिंदु माधव मंदिर को भी उसने ही तोड़ा था। इनमें से ज्ञानवापी में जहां शिवलिंग मिलने के दावे के बाद ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी विवाद के बीच अब धरहरा मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़ा होने लगा है। इसे विष्णु मंदिर बताते हुए धरहरा मस्जिद के खिलाफ याचिका दी गई है, जिस पर 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।